हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ई आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पावर सिस्टम से है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एक लाइन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें इंटरकनेक्टेड सिस्टम को दिखाया गया है। लेफ्ट साइड में एक जनरेटर है G1, राइट साइड में आपका जनरेटर है G2, और इसको हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ रखा है। और यहाँ पे आपका डाटा दिया हुआ है जनरेटर 1 का, जनरेटर 2 का और ये लाइन का। आपसे पूछ रहा है कि 100 MVA को आप बेस ले लीजिए, ठीक है, यानी एस बेस लेना है आपको, और इस पे आपको एक तरीके से पर यूनिट डायग्राम बताना है इस सिस्टम के लिए क्या होगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं बेस MVA कितना है, हम लोग को 100 पे निकालना है। और अभी सबसे पहले हम लोग जनरेटर 1 पे काम करते हैं। जनरेटर 1 में देखिए तो क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे एस बेस दिया हुआ है 250 MVA, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, यानी वी बेस मान लेते हैं आपका दिया हुआ है यहाँ पे 15 kV, और यहाँ पे आपका रिएक्टेंस दिया हुआ है 25%, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100, यानी आपका 1/4, यानी 0.25 पर यूनिट आपका दिया हुआ है, ठीक है। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं ये जो आपका वैल्यू निकाला गया है ये इस बेस को लेकर के निकाला गया है, समझ रहे हैं। अभी क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को इस बेस पे निकालना है, तो मैंने बताया था जैसे यहाँ से कर लीजिए, जब हम लोग का बेस पावर 250 MVA था तो यहाँ पे आपको मिल रहा था 0.25 पर यूनिट का रिएक्टेंस, ठीक है। अब बोलिए रिएक्टेंस ही को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस फोटो में देखिए ना, जो आपको ऑप्शन दिया उसमें देखिए आपका हर जगह क्या है, यहाँ पे इम्पिडेंस को लेकर के चला है, तो हम लोग को इम्पिडेंस ही निकालना है ना, समझ रहे हैं। तो 1 MVA पे कितना होगा, ये हो जाए 0.25 डिवाइडेड बाई 250। आपको 100 MVA पे निकालना है तो 100 MVA पे कितना हो जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाई 250 × 100। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका 0.1, ठीक है। और ये एक तरीके से रिएक्टेंस है, तो आगे में आप जे लगा दीजिए, ये आ गया एक्स, जब आपका यहाँ पे बेस हम लोगों ने 100 लेकर के चला। इसी तरीके से आप G2 के लिए निकाल लीजिए। जनरेटर 2 में देखिए तो क्या क्या डाटा दिया हुआ है, एस बेस है आपका यहाँ पे 100 MVA, ठीक है, और एक्स दिया हुआ है आपका 10%, तो क्या हो जाएगा आपका 0.1 पर यूनिट। अभी आपको क्या करना है, इस 100 MVA पे निकालना है, ठीक है। तो ऐसे तो आंसर यही आएगा, यही आ जाएगा फिर से, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ स्टेप। आप ऐसे कीजिए, जब हम लोग का 100 MVA था तो यहाँ पे मिल रहा था आपको रिएक्टेंस 0.1 का पर यूनिट, एक पे आपको कितना मिलेगा 0.1 डिवाइडेड बाय 100 MVA, और अगेन आपको 100 पे ही निकालना है, क्या किया 0.1/100 × 100, ठीक है, कट जाएगा, वही आएगा आपका 0.1 पर यूनिट। क्योंकि ये जो आपका 10% निकाला गया है ना, ये किस पे निकाला गया, 100 MVA पे ही बेस लेकर के निकाला गया, तो सीधी सी बात है 100 MVA पे फिर से आप पूछा तो वही वैल्यू आएगा ना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लाइन पे आते हैं, तो यहाँ पे दो लाइन दिखाया गया, एक L1 और एक ये L2। तो लाइन में रिएक्टेंस दिया हुआ है कि अगर 1 किलोमीटर आपका लाइन है या फिर 1 किलोमीटर लंबा तार बिछा हुआ है, तो इसका जो रिएक्टेंस होगा आपका ये है 0.225 ओम, ठीक है। तो यहाँ से कर लिए सीधे सीधे, 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, अगर हम लोग लाइन 1 पे काम करते हैं तो लाइन 1 कितना है, 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर मतलब 0.225 × 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1000 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 2.25 ओम आ गया। 10 किलोमीटर के लिए आपका जो रिएक्टेंस होगा, यानी एक्स L1 जो होगा आपका 2.25 आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं लाइन 1, तो लाइन 1 के लिए हम लोगों ने रिएक्टेंस निकाल लिया अपना, कितना आया है, ये है 2.25 ओम। अभी यहाँ पे पर यूनिट वैल्यू में आपको रिएक्टेंस बताना है, तो पर यूनिट वैल्यू कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखिए, पर यूनिट बराबर होता है आपका एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, ठीक है।
और एक तरीके से ये रिएक्टेंस कुछ नहीं, एक तरीके से इम्पीडेंस ही है ना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जेड पर यूनिट, तो यहाँ पे क्या होगा, जेड का एक्चुअल वैल्यू, या फिर सीधे से कहिए एक्स पर यूनिट, तो यहाँ पे एक्स का एक्चुअल वैल्यू होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो इसको जेड ही रहने देते हैं क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला के साथ सिंक्रोनाइज होना है, तो यहाँ पे भी जेड बेस होगा। ये पर यूनिट यानी जेड पर यूनिट आपका हो जाए, एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, ये आ गया 2.25 ओम डिवाइडेड बाई, भी बेस वैल्यू निकालना है, यानी इम्पिडेंस निकालना है आपको। तो जेड बेस का फॉर्मूला मैंने बताया था कल, ये होता है वी बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस। अभी देखिए तो क्वेश्चन में आपका एस बेस दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एस बेस की जगह हम लोग 100 लिखेंगे, और वी बेस, तो वी बेस अभी कंफ्यूजन हो रहा, वी बेस हम लोग क्या लेके चलेंगे, तो वी बेस हम लोग यहाँ पे 15 KB लेके, अब यहाँ पे बोलिए 15 KB कैसे लेके चलेंगे आप। तो अभी यहाँ पे देखिए, जब हम लोग जनरेटर पे काम कर रहे, जनरेटर पे क्या था, वी बेस हम लोग का 15 KB था, ठीक है। और जी टू में भी कितना था आपका, देखिए यहाँ पे जी टू में भी आपका 15 KB था, यानी इस पे निकाला गया ना, तो कुछ नहीं दिया, तो डिफॉल्ट में हम लोग यही लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, दिया जाएगा 225/100, यानी 2.25 आ जाएगा ओम। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2.25 ओम ये कट जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है। इसको आप कर लीजिए J1.0, स्टैंडर्ड वे में अगर लिखना है तो। ये आपका लाइन वन हो गया, इसी तरीके से हम लोग लाइन टू करेंगे। तो लाइन टू भी देखिए तो 10 किलोमीटर है, तो सीधी सी बात है इसका टोटल रिएक्टेंस वही आएगा 2.25 ओम, और यहाँ पे अगेन पर यूनिट वैल्यू भी आपका कितना आएगा, सेम है, क्योंकि लाइन दोनों सेम ही है ना, देखिए यहाँ पे डाटा सबका सेम दिया हुआ है दोनों लाइन के लिए, तो अगेन इसका कितना आएगा, J1.0। अब फोटो में देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए फॉर एप्पल मैच कर जा रहा है। जनरेटर वन का इतना आया था वैल्यू, जनरेटर टू का इतना आया था वैल्यू, क्योंकि ये जनरेटर है ना, जनरेटर वन है यहाँ पे, जनरेटर टू है, ये आपका लाइन वन है, ये लाइन टू है, देखिए लाइन वन का इतना आया, लाइन टू का भी इतना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ये आपका इम्पीडेंस डायग्राम हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका, 18 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको 3 फेज फॉल्ट MVA एट बेस 3 पे, बस 3 पे बताना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग क्या एक तरीके से इम्पीडेंस डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है, या फिर फाइंड आउट कर लिया है। अब इसी इम्पीडेंस डायग्राम से हम लोग अपने फॉल्ट को पता करेंगे, ठीक है। तो बस 3 पे बोला, तो बस 3 आपका यहाँ पे देखिए, ये सब जो होता है ये आपका बस का बताता है, बस 1 है, बस 3 है, और ये आपका बस 2 है। तो बोल रहा है कि अगर बस 3 पे फॉल्ट आएगा तो उस दौरान फॉल्ट का लेवल कितना होगा, या फिर फॉल्ट वैल्यू क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, ये आपका ग्राउंड हो गया, ये एक दूसरा, यहाँ पे आपका फॉल्ट आया हुआ, मान लेते हैं आपका फॉल्ट, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, वही डायग्राम बस बना रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए तो इस पॉइंट पे फॉल्ट है आपका, तो सीधी सी बात है, इधर का पहले वैल्यू लिख लेते हैं, J0.10 है, J1.0 है, इधर आपका J1.0 है, और इधर आपका J0.10 है। तो ये जो फॉल्ट हुआ, इस पॉइंट को लेकर के चलेंगे, इसी पॉइंट को लेकर चलना होता है, तो इस पॉइंट को लेकर चलिएगा, तो देखिए तो, या फिर इसको और एक स्टेप में सॉल्व करते हैं, ये देखिए तो ये दोनों आपका क्या है, सीरीज में है, ये भी आपका क्या है, सीरीज में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सीरीज में आपका रिएक्टेंस जुड़ता है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 1.1 हो जाएगा आपका इक्वेलेंट, यहाँ पे आपका फॉल्ट है, और इधर भी आपका क्या होगा, 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉल्ट है इस दौरान, यानी अगर हम लोग टोटल रिएक्टेंस देखें, टोटल रिएक्टेंस, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा ना, तो टोटल रिएक्टेंस पैरेलल, यानी 1.1 × 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 + 1.1। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू 0.55 पर यूनिट, ये आपका टोटल रिएक्टेंस हुआ, ठीक है, एक्स टी कर दे रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है, फॉल्ट लेवल MVA कर लेते हैं, बराबर होता है एस बेस
यानी आपका बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे टोटल रिएक्टेंस इन पर यूनिट कितना है आपका, ये आपका 100। क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन में चेंज तो नहीं किया ना? नहीं, देखिए 100 हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 0.55, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका 181 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी डी फॉर डॉग हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला, याद है कि फॉर्मूला बेस्ड है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो मे भी आपको 18 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा सही से, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखिए आप, ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा इस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं, और ये भी उसी बेसिस पे बनेगा। बोल रहा है चार अल्टरनेटर है आपके पास, ठीक है? हर एक का 5 MVA रेटिंग किया हुआ है, वोल्टेज है 11 kV, और हर एक जनरेटर का जो परसेंटेज रिएक्टेंस है ये 20% है, और ये अभी पैरेलल में काम कर रहा है, तो शॉर्ट सर्किट लेवल आपको बताना है एट बस बार। अभी आप इमेजिन कीजिए, अल्टरनेटर को आप सीधे सीधे रेजिस्टेंस मान लीजिए, तो आप इमेजिन कीजिए इस तरीके का आपका चार रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगा हुआ है। तो पैरेलल में क्या होता है, आपका जो जैसे हर एक का 20% रिएक्टेंस है ना, समझ रहे हैं इस चीज को? यानी जैसे मान लेते हैं ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग, आर इक्वेलेंट निकालेंगे ना सबसे पहले, सर्किट को छोटा कर, तो क्या लिखेंगे, 10/4 करते हैं, समझ रहे हैं? या फिर आप ऐसे निकाल लीजिए, 1/10 + 1/10 + 1/10 करके, यानी अभी इसमें 20-20% का चारों अल्टरनेट का रिएक्टेंस दिया हुआ है, तो पैरेलल में है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल रिएक्टेंस निकालते हैं, तो टोटल रिएक्टेंस चारों पैरेलल में लगा भी, इमेजिन कीजिए इस तरीके से, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 20% / 4 करेंगे तो ये आपका टोटल रिएक्टेंस आ जाएगा चारों अल्टरनेट का, कितना आएगा ये आपका, ये आ जाएगा 5%, और 5% को मैं क्या लिख देता हूँ, 5/100, और ये क्या हो जाएगा, 1/20 per unit। इसको आप इस तरीके से निकाल लेनी, आपका रिएक्टेंस का काम खत्म हो गया। अभी देखिए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था शॉर्ट सर्किट MVA, या फिर फॉल्ट लेवल आप कह सकते हैं सीधे सीधे, ये होता है आपका बेस MVA डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस इन पर यूनिट। अभी देखिए, तो इस क्वेश्चन के लिए बेस MVA हम लोग क्या लेके चलेंगे, 5 MVA, ठीक है? अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता, डिफॉल्ट में जो दिया होता है उसी को लेके चलना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 MVA डिवाइडेड बाय, यह हो जाएगा 1/20, यानी 1/20 को सीधे क्या करेंगे, इसको जब काटिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 100 MVA, ठीक है? ये आपका आ गया शॉर्ट सर्किट लेवल एट बस बार्स। और अभी इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो मैंने फार्मूला बेस्ड समझा दिया, तो मे भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा हो कैसे हो गया, फार्मूला कहाँ से आ गया, अभी इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं और बेसिक तरीके से सीखेंगे। देखिए अगेन, इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। अभी फिर से इमेजिन कीजिए, चार रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में आपका लगा हुआ है, और रेजिस्टेंस मतलब आपको अल्टरनेटर के साथ इमेजिन करना है, ठीक है? तो अभी ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे बैटरी भी जोड़ देता हूँ ताकि आप को रिलेट कर सकें, ताकि ये सर्किट आपको अनकम्प्लीट ना लगे, ठीक है? ये आर हो गया, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अगर मैं इक्वेलेंट इस सर्किट डायग्राम से समझाऊँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं जनरेटर 1 है, इसके पैरेलल में जनरेटर 2 है, जनरेटर 3 है, इसी तरीके से आपका चार जनरेटर जो है पैरेलल में लगा हुआ है। अभी देखिए, अगर हम लोग पैरेलल सर्किट की बात करें, तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका बैटरी है, यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन में कुछ वोल्टेज भी होगा और कुछ करंट भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज होगा, कुछ करंट होगा, ठीक है? यानी आप कह सकते हैं इस रेजिस्टेंस के पास कुछ पावर होगा, मान लेते हैं P1 है, इसके पास भी कुछ पावर होगा, मान लेते हैं P2 है, पावर क्यों होगा, क्योंकि भाई इसके पास वोल्टेज और करंट है तो पावर भी होगा ना, P इक्वल टू क्या होता है, VI। अब वोल्टेज भी है इसके क्रॉस कुछ, इसके क्रॉस कुछ करंट भी, तो पावर भी तो होगा ना, इसका P3 मान लेते हैं, इसके क्रॉस P4 मान लेते हैं,
तो पैरेलल सर्किट में आपका पावर क्या होगा, यानी टोटल पावर की बात करें हम लोग, तो क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा ना, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर करना होगा, ठीक है, इसको आप माइंड में रखिएगा। अभी हम लोग इस सर्किट से एक जनरेटर पे काम करते हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पे G1 पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो G1 का यहाँ पे रेटिंग क्या है, 5 MVA दिया हुआ है, ठीक है, यानी S बराबर, यानी पावर बराबर दिया हुआ है, वोल्टेज बराबर मान लेते हैं 11 kV है, परसेंटेज एक्स दिया आपका 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20/100, 10 से 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/5 पर यूनिट। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसफार्मर वाला आप दिमाग लगाइएगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग निकालते हैं कल वाले वीडियो में। अभी यहाँ पे पूछा है शॉर्ट सर्किट लेवल, ठीक है, यानी सीधे सीधे समझिए, अगर मैं इसको समझाऊं, सिंगल फेज से समझते हैं, सिंगल फेज समझ लीजिए, आपका वाइंडिंग है, ठीक है, इसका अपना एक इम्पीडेंस है जो कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड बराबर 1/5 पर यूनिट, और केस वन मान के चलता हूँ, ये मान लेते हैं अभी हेल्दी कंडीशन है तो यहाँ पे एक लोड लगा होगा, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग का जेड एल है, तो यहाँ पे बताइए तो करंट कितना होगा, पी बराबर वी आई होता है, पावर कितना है इस अल्टरनेटर का, 5 MVA यानी 10^6 लिख देंगे, वोल्टेज कितना है आपका, 11 kV यानी 11,000 लिख देंगे। भाई इस वाइंडिंग में कितना वोल्टेज हो रहा है, वही तो हम लोग लिख रहे हैं ना 11, और ये आपका आई, तो यहाँ से क्या होगा, आई हम लोग का निकल जाएगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 10^6 डिवाइडेड बाय 11,000, इतना एम्पियर जो है आपका इसके अंदर करंट फ्लो होगा हेल्दी कंडीशन में, जब यहाँ पे लोड लगा होगा। अभी मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, प्लेन शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो अभी क्या होगा, इसके अंदर करंट क्या होगा, ISC बराबर क्या होगा, I=V/Z, वोल्टेज तो 11,000 का 11,000 ही रहेगा, लेकिन जेड कौन सा होगा, अभी आपका ये वाला होगा, ठीक है, तो अभी जेड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये पर यूनिट वैल्यू तो नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअल वैल्यू लेके चल रहे हैं, वोल्टेज क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, तो इम्पिडेंस का भी क्या करना होगा, एक्चुअल वैल्यू निकालना होगा, तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं, पर यूनिट बराबर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, ठीक है, और ये भी इम्पिडेंस पे काम कर रहे हैं तो इसको जेड कर दीजिए, इसको भी जेड कर दीजिए और इसको भी जेड कर दीजिए, यहाँ पे 1/5 बराबर एक्चुअल वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, जेड एक्चुअल हम लोग को अभी निकालना है, अब यहाँ पे बेस वैल्यू निकालना होगा, तो जेड बेस बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, S/V, तो हम लोग यही लेकर के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी पे इसी वैल्यू पे आपका ये परसेंटेज रिएक्टेंस निकाला हुआ है ना, तो ये आपका क्या है, तो ये बेस वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको लिखिए 5/ उल्टा मैंने लिख दिया इसको, वी बेस का स्क्वायर होता है नीचे में एस बेस होता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाए 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं जेड बेस आपका हो जाएगा 24.2 ओम, यहाँ पे आप 24.2 ओम कर लीजिए, अब इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका जेड एक्चुअल आ जाएगा 4.84 ओम, ये आपका इस सिंगल जनरेटर का इम्पिडेंस आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भागा दे दीजिए, यानी यहाँ से आपका शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा। देखिए ये आ जाए आपका 22.7272 एम्पियर, यानी इसमें जब भी प्लेन शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका इतना हैवी करंट जो है फ्लो होगा। देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, फिर से यहाँ पे सर्किट बनाते हैं, ये आपका अल्टरनेटर हो गया जिसका ये इम्पीडेंस हो गया, अभी यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू लिख लेते हैं डायरेक्ट 4.84 ओम,
और यहाँ पे आपका प्लेन शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो इस शॉर्ट सर्किट के दौरान आपका करंट कितना है, ये वाला वैल्यू, ठीक है। यानी आपसे पूछा क्या है, शॉर्ट सर्किट में बताना है आपको लेवल कितना है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के दौरान। तो आपको पता है शॉर्ट सर्किट दौरान वोल्टेज आपका 11,000 था, ठीक है, और करंट जो है आपका, भाई इसमें वोल्टेज तो 11,000 ही है ना, अभी शॉर्ट सर्किट के दौरान भी 11,000, और शॉर्ट सर्किट करंट कितना है आपका, 22.7272 एम्पियर, ये है, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पे पावर बताना है, ठीक है। तो पावर क्या करेंगे, वोल्टेज इंटू शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि यहाँ पे पूछा है शॉर्ट सर्किट का लेवल बताना आपको। दोनों को गुना कीजिएगा, ये 11,000 इंटू ये वाला करंट, तो आपको यहाँ पे आएगा 25 MVA, ठीक है। इसका मतलब ये सिंगल जनरेटर का हुआ आपका शॉर्ट सर्किट के दौरान का पावर। अब यहाँ पे चार लगा हुआ है, ठीक है, और चारों में पावर क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ पे आपका 25 है, यहाँ पे आपका 25 है, यहाँ पे आपका 25 है, यहाँ पे 25 आएगा, क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल जनरेटर है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सबका इतना ही वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या होगा टोटल, कितना होगा, 100 MVA आपका होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, उसको भी लगा करके कर सकते हैं। तो मे बी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अभी जो मैंने डिटेल में बताया है वो अपने तरीके से बताया है, ताकि आपको कम से कम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आए कि अंदर में हो क्या रहा है। बाकी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप। इस क्वेश्चन को समझते हैं, सबसे पहले इसका लाइन डायग्राम बता, बोलता है एक आइसोलेटेड सिंक्रोनस जनरेटर है, तो एक यहाँ पे जनरेटर बना लेते हैं, मान लेते हैं आपका जनरेटर है, और इसका डाटा दिया हुआ है, बोल रहा है रिएक्टेंस दिया हुआ है 0.1 पर यूनिट, और इसको ऐसे लिखते हैं, जी कर देता हूँ, यानी जनरेटर रिएक्टेंस हो गया, और यहाँ पे जो पावर है यानी एस बेस है आपका यहाँ पे 100 MVA। अब आगे बोलता है इस कनेक्टेड टू ए हाई वोल्टेज बस थ्रू ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए आगे लाइन को ले जाएंगे, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बना लीजिए और एक आगे में बस लगा दीजिए। अब बोल रहा है इस ट्रांसफार्मर का भी वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस आपका 0.1 पर यूनिट, और इसका एस बेस दिया हुआ है 100 MVA, ठीक है। अब आपसे पूछता है फॉल्ट लेवल, अगेन वही बोलता है फॉल्ट लेवल, फॉल्ट लेवल कहाँ पे बोल रहा है, तो इस बस पे बोल रहा है। तो सबसे पहले इसका लाइन डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ये जनरेटर है, तो इस जनरेटर के अंदर रिएक्टेंस आपका पर यूनिट दिया हुआ है, लाइन डायग्राम हम हमेशा क्या आता है पर यूनिट बनाते हैं, तो पर यूनिट का सीधे सीधे बना लीजिए इस तरीके से, ये आपका हो गया 0.1 पर यूनिट। यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस दिया हुआ है कितना, ये भी आपका 0.1 पर यूनिट है, और यहाँ पे आपका फॉल्ट आया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका फॉल्ट है। तभी देखिए तो फॉल्ट जिस पॉइंट पे है आपका, उस हिसाब से क्या है, ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों रिएक्टेंस आपका सीरीज में है, यानी एक्सटी यानी टोटल रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, 0.2, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। और अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया, अभी फॉल्ट लेवल निकालना है, तो क्या बताया मैंने, बेस MVA, ऐसे लिखिए एस बेस डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस, एस बेस कितना है दोनों में इतना है, तो इसी को मान लेते हैं एस बेस, मान लेते हैं हम लोग 100 MVA, कुछ नहीं दिया हुआ तो डिफॉल्ट में ही लेके चलते हैं। 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा टोटल रिएक्टेंस, 0.2, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 500 MVA बिफोर वॉल। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, और इस क्वेश्चन में भी आपसे फॉल्ट लेवल पूछा हुआ है। सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं, और अभी आप इमेजिन कीजिए कि हम लोगों ने प्राइमरी में जो भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस था वो सेकेंडरी में एक तरीके से रिफर्ड कर दिया, तो यहाँ पे आपको एक इम्पीडेंस मिलेगा, मान लेते हैं आपका जेड है, और यहाँ पे एक लोड लगा देते हैं सबसे पहले ZL, ठीक है। इधर का वोल्टेज आपका 11,000 वोल्ट, इधर आपका 0.4 KV, यानी आप कह सकते हैं इधर आपका 400 वोल्ट है, और पावर तो दोनों तरफ सेम रहता है, ये आपका 500 KV है। सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज रिएक्टेंस दिया हुआ है आपका 10%, 10% मतलब 0.1 पर यूनिट। अभी हम लोग सबसे पहले
आई टू वैल्यू निकालते हैं। नहीं, केस वन में मानते हैं कि जब हमारा यहाँ पे लोड लगा हुआ था, ट्रांसफार्मर एक तरीके से हेल्दी सिचुएशन में काम कर रहा था, तो उस दौरान क्या होगा, आई टू बराबर पावर बराबर क्या होता है, वी आई। अभी हम लोग सेकेंडरी में काम कर रहे हैं तो क्या होगा, पी टू वी टू आई टू, पावर कितना होगा आपका, यानी आई टू बराबर क्या होगा, पी टू बाय वी टू। पावर का क्या लिखेंगे, 500 गुने 1000, क्योंकि दोनों तरफ पावर सेम होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ। तो यहाँ पे पावर क्या होगा, ये वाला वैल्यू और उसको 400 से भागा देंगे, यहाँ से आपका आई टू आ जाएगा 1250 एम्पियर। ठीक है, यानी जब आपका ट्रांसफार्मर हेल्दी है, लोड लगा कर चल रहा है, तो आपको 1250 एम्पियर सेकेंडरी में करंट मिलेगा। अभी हम लोग केस टू मान लेते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कैसा होगा ट्रांसफार्मर, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये आपका इम्पीडेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे बस शॉर्ट सर्किट कर दीजिए आप। ठीक है, ये आपका शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट दौरान में यहाँ से करंट क्या होगा, ISC फ्लो करेगा, Z वैसे वैसे रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, V/Z। ठीक है, अभी वोल्टेज कितना है, इधर तो वोल्टेज 400 ही होगा, 400 कर दीजिए। अभी जेड का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि जेड आपका पर यूनिट में दिया हुआ है। जब वोल्टेज आपने एक्चुअल वैल्यू ले लिया, तो वो जेड भी यानी इम्पिडेंस भी क्या होना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए ना, रियल वैल्यू होना चाहिए। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, मैंने कल बताया था परसेंटेज रिएक्टेंस दिया हुआ है, यानी रिएक्टेंस अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी में अगर आपका 400 वोल्ट है, इसका मतलब क्या, 400 का 10% जो होगा इम्पिडेंस के पास वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी कह सकते हैं 400 का 10% कितना, 40 वोल्ट जो है आपका इस इम्पिडेंस के पास ड्रॉप होगा, यानी इसके क्रॉस आपका जो वोल्टेज है ये 40 वोल्ट है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, लिखिए जेड हम लोग को फाइंड आउट करना है, जेड ब्राव क्या होगा, V/I। और ये जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, हेल्दी कंडीशन में ही फाइंड आउट कर लेंगे, जब हमारा हेल्दी कंडीशन था, हेल्दी कंडीशन में वोल्टेज कितना था, 40, इसके क्रॉस निकालना है ना आपको, इसके क्रॉस निकालना आपको, तो 40। और करंट कितना था हेल्दी कंडीशन में, क्योंकि इस इम्पिडेंस के क्रॉस से करंट तो यही जाएगा ना, क्योंकि सीरीज में आपका कनेक्टेड ये, कितना होगा आपका ये 1250। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 0.032 ओम। तो ये एक तरीका हुआ एक्चुअल वैल्यू इम्पिडेंस का निकालने का। अभी देखिए दूसरा तरीका भी हो सकता है, अभी हम लोग बेस मान के चल सकते हैं, मैंने बताया था कुछ नहीं तो आप ये बेस मान लीजिए, मान लेते हमारा एस बेस जो है आपका 500 केवीए है। ठीक है, वी बेस हम लोग का हो जाएगा 400 वोल्ट। अभी देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे वी बेस में यही वाला सेकेंडरी वोल्टेज ही क्यों लिया, आपने ये 11000 वोल्ट क्यों नहीं लिया, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आपको बताया था अगर हम लोग ट्रांसफार्मर देखें तो ट्रांसफार्मर में जो पावर होता है दोनों तरफ सेम होता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 55 में मैंने बताया था, इधर अगर 500 केवीए है तो सीधी सी बात है इधर भी आपका 500 केवीए होगा, लेकिन इधर जो वोल्टेज है, मान लेते V1 अगर आपका यहाँ पे 5 वोल्ट है तो V2 आपका इधर कुछ और वोल्टेज होता है, समझ रहे हैं। उसी बेसिस पे जब भी हम लोग बेस मान के चलेंगे तो एस बेस अगर आपका इधर 500 केवीए है, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, मतलब प्राइमरी का एस बेस, तो सेकेंडरी का भी 500 केवीए ही होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वी बेस माने, यानी वोल्ट बेस वोल्टेज माने प्राइमरी का, तो ये 5 वोल्ट है, लेकिन सेकेंडरी का जो वी बेस होगा ये अलग हो जाता है। मान लेते हैं अगर ये 10 है तो इधर आपका 10 मान के चलना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। तभी हम लोग सेकेंडरी में काम कर रहे हैं तो सेकेंडरी का ही बेस वोल्टेज लेकर के चलेंगे। अभी देखिए फॉर्मूला लगाइए, पर यूनिट बराबर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। और अभी हम लोग इम्पिडेंस फाइंड आउट कर रहे थे, ये इम्पिडेंस का जेड पर यूनिट वैल्यू हो जाएगा, इधर इम्पिडेंस और ये भी आपका इम्पिडेंस। ठीक है, तो इम्पिडेंस हमें कितना 0.1 है, ये दिया हुआ ना आपका, बराबर है बराबर देंगे, एक्चुअल वैल्यू आपको निकालना है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, भागा देंगे इससे जेड बेस से, तो जेड बेस हम लोग ऊपर वाले डाटा से निकाल लेंगे ना, जेड बेस बराबर क्या हो जाएगा, वी बेस का स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500 गुने 1000, क्योंकि उसको वोल्ट एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा ना। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा वैल्यू 0.32 ओम।
ठीक है, यहाँ पे भागा दे दिए 0.32, और इसको जब आप गुना कीजिएगा, जेड एक्चुअल आएगा ना दोनों गुना करने पे, तो यहाँ से आपका जेड एक्चुअल आ जाएगा 0.032। यानी आप चाहे ऐसे निकालिए या फिर ऐसे निकालिए, वैल्यू आपका सेम आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे जेड एक्चुअल निकाल लिया, जेड का वैल्यू आ गया 0.032। अभी देखिए शॉर्ट सर्किट करंट हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ पे यहीं पे आते हैं। आई एस सी बराबर वी बटा जेड, यानी वोल्टेज था 400 वोल्ट, इस केस में चल रहे हैं, केस टू में भी हम लोग काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 0.032। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 12,500 एम्पेयर। यानी जब सेकेंडरी में आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो 12,500 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब इस सर्किट को मैं नीचे बनाता हूँ। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, इम्पीडेंस हो गया, यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। आपसे पूछा है फॉल्ट के दौरान पावर कितना है, इसका फॉल्ट लेवल क्या है, तो इसमें करंट कितना है अभी आपका, यह है 12,500 एम्पीयर, और वोल्टेज कितना है 400, तो पावर कितना होगा इस दौरान, 12,500 × 400, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 5,100,000, 10 लाख। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 500, यानी 5,000 KVA। इसका आंसर हो जाएगा बी फोर बॉल, और इसका आंसर बुक में गलत देता है, 500 MVA नहीं होना चाहिए, क्योंकि 500 MVA आपका आएगा नहीं इस सिचुएशन में। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, बाकी आपका मर्जी। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और एक लेक्चर मैं इसको कर दूंगा कैसे हम लोग ये करते हैं, पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, या फिर आप पर यूनिट सिस्टम जो होता है ट्रांसफार्मर कैसे लेकर चलते हैं हम लोग।